नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं के बारे में, प्रमुख नीतियाँ और अभियान, और साथ में दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि पिछले एक साल में जारी हुए हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है और आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपको बता दें, हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक है पिछले एक साल की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक। अगर आपको कंप्लीट ये ई बुक चाहिए, जिसमें आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स प्रमुख घटना चक्र और साथ में योजनाएं, नीतियां, अभियान, सूचकांक, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, पुरस्कार और इसमें प्रमुख चर्चित व्यक्ति, और इस ई बुक के अंत में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे पिछले एक वर्ष के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पे आप सर्च कीजिए jardhariclasses.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो पहले उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं, नीतियां और अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अभियान यहाँ पे पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान। क्या है ये पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान? तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बड़ी जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है। तो पिरुल लाओ पैसा अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो जंगल में बढ़ी जो आग है उस पर नियंत्रण पाने के लिए। कब शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पिरुल लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किया है। पिरुल लाओ पैसा पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा ग्रामीण इलाकों में सूखा पिरुल, पिरुल क्या होता है? चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि जब ये सूख जाती है तो जंगल में आगजनी बढ़ जाती है, जंगल में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस सूखे पिरुल को एकजुट होकर पिरुल संग्रहालय में पिरुल संग्रहण केंद्र तक ले जाया जाएगा। तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, जो जंगलों का सूखा पिरुल है उसे इकट्ठा करके एक उसका जो पिरुल संग्रहण केंद्र है वहां पर इकट्ठा किया जाएगा, जिसके माध्यम से जंगल में जो आगजनी बढ़ रही है, वनों में जो आग लगने की संभावना बढ़ रही है, उसको कम किया जा सके। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से पिरुल लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा। तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है जो नक्षत्र सभा, इसे उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा, एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल शुरू करने के लिए स्टार स्केप्स के साथ सहयोग किया है। अब प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू किया गया है, वो किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो स्टार स्केप्स के साथ सहयोग। इस पहल का उद्देश्य है खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, जिससे उन्हें राज्य की प्राकृतिक विविधता के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जा सके। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने यह अभियान शुरू किया है, नक्षत्र सभा, एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल, किसके साथ सहयोग से शुरू किया गया है? स्टार स्केप्स के साथ सहयोग से। नेक्स्ट, यहाँ पे दीदी भुली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। तो दीदी भुली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तरकाशी में यह शुरू किया गया है। यह महोत्सव महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। तो दीदी भुली महोत्सव कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है? तो महिला शक्ति व नारी सम्मान को समर्पित है। महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दीदी भुली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है उत्तरकाशी से। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना। अब देखो, जो योजनाएं होती है ना, इनसे दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये योजना कब शुरू की गई और किसके द्वारा शुरू की गई, और साथ में एक और प्रश्न ये बन सकता है कि इस योजना का संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 24 अगस्त 2023 को सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देना। तो ये सशक्त बहना उत्सव योजना का संबंध है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना।
जो स्थानीय महिलाएं होती हैं वो बहुत सारे स्थानीय उत्पाद बनाती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया गया 24 अगस्त 2023 को। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको उत्तराखंड की पिछले 10 वर्षों की प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न जरूर बनता है, हर एग्जाम में लगभग एक या दो प्रश्न योजना से जरूर पूछ जाता है, और इसलिए मैं पिछले 10 साल की यहाँ पे प्रमुख योजनाओं के बारे में एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा जरूर। ठीक है, अगर आप वो वीडियो लाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। नेक्स्ट, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं, क्या है ये अपनी सरकार नागरिक सेवाएं? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना शुरू की। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है 8 जुलाई 2023 को। नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर ही उपलब्ध होंगी, और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के लिए ये टोल फ्री नंबर है 1800910017, ये टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पर नागरिक क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ये पोर्टल बनाया गया है, एक अपनी सरकार पोर्टल, और इसके माध्यम से जो भी नागरिक सेवाएं हैं उनके संबंध में जो जानकारी मिलेगी वो इस पोर्टल पर मिलेंगी। तो इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ शुरू किए गए? उत्तराखंड में। तो 11 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चंपावत जिले के गोराल चौड़ स्थित सभागार में प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब देखो कब शुरू किया गया है, 11 मई 2023 को। किसने शुरू किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। और कहाँ से शुरू किया? चंपावत से। क्यों शुरू किया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्मार्ट कक्षाओं को संचालित करने के लिए सभी उपकरण हंस फाउंडेशन की ओर से दिए गए। नेक्स्ट, यहाँ पे मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरुआत हुई है 12 फरवरी 2023 को, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है, और इस योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को निःशुल्क तीन तीन सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। तो गैस से संबंधी ये योजना है, गैस रिफिलिंग, तीन तीन सिलेंडर यहाँ पे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे 1,76,000 लोगों को, और पौड़ी जिले से इसका शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का। अगला, यहाँ पे अगली जो योजना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना शुरुआत हुई है 31 मई 2023 को, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना की। उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। लाभार्थी सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र होंगे इसमें मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के तहत। इसमें उच्च शिक्षा यानी जो उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी हैं, उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर, दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई है 3 मई 2023 को। उद्देश्य क्या है? विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तैयार करना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, जिसका उद्देश्य विदेश में रोजगार के जो इच्छुक युवा हैं, जो विदेश में रोजगार करना चाहते हैं उनको तैयार करना। नेक्स्ट, ईंधन सखी योजना, ईंधन सखी योजना इंपॉर्टेंट योजना है, इसकी शुरुआत हुई है 14 दिसंबर 2023 को। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उत्तराखंड के लोग,
उनके सिलेंडर की जो रिफिल की समस्या है उसका समाधान करने के लिए ईंधन सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत सरकार मिनी गैस एजेंसी स्थापित करेगी जिससे रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। और सरकार ने एचपी कंपनी को, एचपी गैस जो कंपनी है, इसके साथ करार भी किया है। अब देखो समस्याएं क्या होती है, जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां क्या होता है, जो गैस एजेंसी होती है दूर दूर होती है, तो इसलिए वो टाइम टाइम पे क्या नहीं कर सकते, अपनी गैस रिफिलिंग नहीं करा सकते हैं, गैस भर नहीं सकते हैं, सिलेंडर भर नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक मिनी यहाँ पे गैस एजेंसी स्थापित की जाएगी नजदीकी क्षेत्र में, जिसके माध्यम से रिफिलिंग की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। और एचपी कंपनी से यहाँ पे करार भी किया गया है। अब यहाँ पे प्रमुख योजनाएं मैंने आपको बता दी है पिछले 1 साल की। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख सूचकांक और सम्मेलन के बारे में। तो पहला जो यहाँ पे इंडेक्स है, सूचकांक है निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022। 17 जुलाई 2023 को ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों निर्यात तैयारी इंडेक्स, ईपीआई, एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक में उत्तराखंड राज्य ने देश में 9वां स्थान हासिल किया है। तो एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 9वां स्थान। सूचकांक से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जबकि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था और अब उत्तराखंड 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड है पहले स्थान पर और हिमालय राज्यों में दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में देश भर में उत्तराखंड का स्थान है 9वां और हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात अगर हम देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात है 2019-21 में, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, वो 2019-21 के आंकड़ों पर आधारित है, तो 9.67, जबकि 2015-16 में कितनी थी, 17.67%। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात था 15-16 में 17.67% और 19-21 में ये घट के आ गया है 9.67%। तो ये इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात कितना है 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार, तो वह 9.67%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2023 जारी किया गया उसमें उत्तराखंड देश भर में 15वें स्थान पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के सबसे अधिक गरीबी वाला जो जनपद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड का जो सबसे गरीब जनपद है किसके अनुसार, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार, तो सबसे गरीबी वाला जनपद है हरिद्वार, उसके बाद है उधम सिंह नगर, उसके बाद है नैनीताल। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, हरिद्वार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पे जो संसाधन है वो पूर्ति, खपत क्या हो जाएगी, खपत ज्यादा है संसाधन कम है, इसके माध्यम से ये जनपद क्या हो सकता है, सबसे गरीब वाला जनपद हो सकता है, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल सबसे गरीबी वाले जनपद है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के सबसे कम गरीबी वाले जनपद की अगर बात करें तो सबसे कम गरीब जो जनपद वो है देहरादून, उसके बाद रुद्रप्रयाग और उसके बाद पिथौरागढ़। तो टॉप 3 आपको जरूर यहाँ पे याद रखने हैं। गरीबी में सर्वाधिक गिरावट वाले 3 जनपद जिनकी गरीबी में गिरावट आई है, यानी जो पहले अधिक गरीब थे और अब कम गरीब हैं, तो गरीबी में सर्वाधिक गिरावट वाले 3 जनपद अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और चंपावत हैं, और गरीबी में सबसे कम गिरावट वाले 3 जनपद हैं पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। तो ये आपको इस सूचकांक आपको जरूर यहाँ पे ये नोट करना है, और इसके इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जिससे मैंने पूरा डिटेल्स के बारे में आपको समझाया था। नेक्स्ट, ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन, एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। तो ई कचरा, ई कचरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, तो ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
राज्य में 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरे को रिसाइकल किया जा रहा है। ई कचरे क्या होता है? ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं कर रहे हैं या उपयोग के अपने अंतिम समय में है, जैसे कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन, फोटो कॉपियर, फैक्स मशीन, विद्युत उपकरण, फ्रिज, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं करे ई कचरे की श्रेणी में आते हैं। और इसमें उत्तराखंड को देश में ई कचरा प्रबंधन में इसका जो एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण कर रहा है, तो इसमें उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सूचकांक है। नेक्स्ट, यहाँ पे छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023। अब यहाँ पे सम्मेलन की बात करते हैं, प्रमुख जो समिट है, तो छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 ये कहाँ आयोजित किया गया? देहरादून में। देहरादून में छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर चर्चा की गई है। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो देहरादून में यह छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23, इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है दोस्तों, जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, और यह है पांचवा संस्करण, पांचवा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। 6 मापदंड हैं इसके, 6 मापदंड के आधार पर यह सूचकांक जारी करता है। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण और सुधार। अब यहाँ पर देखो, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में शीर्ष जो 3 राज्य हैं, केरल, पंजाब और तमिलनाडु है, और छोटे राज्यों में शीर्ष जो 3 राज्य हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, वो है गोवा, मणिपुर और सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष 3 राज्य, जो 3 प्रदेश हैं, वो है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में अगर हम उत्तराखंड का स्थान देखेंगे तो वह है 11वां, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है, सबसे महत्वपूर्ण ये सूचकांक है, और यहां से प्रश्न भी पूछा गया है एक बार। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान है 11वां। अब जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023, जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसके अनुसार उत्तराखंड में कुल जलाशय है 3,096, ग्रामीण क्षेत्र में कुल जलाशय है 2,970 और शहरी क्षेत्र में जो जलाशय है वो है 126 जलाशय, जिनमें पानी पिया जाता है 2,371 और जलाशय जो सूख चुके हैं वो है 725। सर्वाधिक जलाशय वाले शीर्ष राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये यहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023 जारी की गई। नेक्स्ट, यहाँ पे जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2021-22, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रिपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए, जारी करता है अर्थ एवं संख्या निदेशालय, इसने जारी की है। अब देखो, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है वो है हरिद्वार, सबसे गरीब राज्य भी हरिद्वार ही है और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद भी हरिद्वार है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जो यहाँ पे वो बहुत अमीर हैं, और यहाँ पे अमीरी और जो गरीबी का रेशियो जो अनुपात है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए हरिद्वार सबसे बड़ा गरीब जनपद भी है उत्तराखंड का, लेकिन सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद भी हरिद्वार ही है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है वो है रुद्रप्रयाग। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिर्फ 3 जनपद कौन है? सबसे ज्यादा हरिद्वार प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद उधम सिंह नगर में है और उसके बाद देहरादून, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वह है रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर और अल्मोड़ा में। अब ये है यहाँ पे आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ये मैंने इकोनॉमी में, जब मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई थी और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी उस पर भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो ये मैंने आपको बताया था पूरी डिटेल, जब मैंने जीडीपी के बारे में आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था आधार वर्ष लिया जाता है 2011-12, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर आगे यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। 2021-22 के जो आंकड़े हैं, उत्तरकाशी का ये डेटा है, जिलेवार प्रति व्यक्ति आए थे 2011 में उत्तरकाशी की 49,584 और अभी 1,07,000
281, चमोली की थी 64,000 के समथिंग और अभी 1,27,000 के करीब है। रुद्रप्रयाग की 46,881 और अभी है 93,000, तो लगभग इनकी बढ़ ही गई है। ठीक है, अब देखो देहरादून की 1,06,000 और अभी 2021-22 में हो चुके 2,35,760, पौड़ी की 50,000 थी अभी दुगनी हो चुकी है 1,08,000। ये आप पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सम्मेलन और प्रमुख सूचकांक और प्रमुख रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए और आपका आपके आगामी सभी आगामी एग्जाम के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। और इसके जो ये नोट्स हैं, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी कंप्लीट करंट अफेयर्स की ई बुक है, पिछले एक वर्ष की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की, और इसमें एक महत्वपूर्ण आंकड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।